ऑन बोर्ड आज मैं बात करने वालों आई एम बैंगलोर की सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बाय द वे काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं आई एमोजकोड ने अपना चेंज कर दिया था और आई एम अहमदाबाद के खिलाफ जब हाई कोर्ट का केस आया था तो उन, उनको बोल दिया गया भैया जो तेरे को करना है वो लोग फिफ्टी परसेंट वेटेज देते हैं जो कि तुम्हारे इंटरव्यू को दी जाती तो इसके अलावा किसी बंदे ने केस किया था मैं आज बैंगलोर की आपको स्टोरी सुनाने वाला हूँ द वे मैं ट्रैक कर रहा हूँ इस कॉलेज को वे बैक इन टू जब से मैं कैट दे रहा हूँ ठीक है तो ये कॉलेज ऐसा होता था बताऊँ आपको कैसे क्राइटेरिया होते थे क्राइटेरिया बहुत सिंपल होता था ऐसे प्रोफाइल वगैरह की ज़्यादा बात नहीं होती थी आई एम अहमदाबाद को मिलता था जिस बंदे के दो सब्जेक्ट में 99.99 नाइन्टी .99 नाइन पॉइंट नाइन आ जाए मतलब दो सब्जेक्ट में अंदर आई एम किसको मिलता था अगर वर्बल तुम्हारा अच्छा है तो तुम आई एम बैंगलोर जाओगे वर्बल में 99 .99 तो बैंगलोर का कॉल आता था ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड अनसेट रूल होता था ठीक है फिर आई एम कलकड़ा जाना है आई एम कलकड़ा शुरू से एनालिटिक्स फोकसड था अभी भी वो कॉलेज के अंदर काफी एनालिटिक्स की मार है आज हम एबीसी की बात कर रहे हैं तो आई एम कलकड़ा में अगर तुम डी के अंदर नाइन मारते थे तो तुम्हारा यहाँ पे आई डी एल आई एम कैल्कुला कॉल आता था ऐसा हुआ करता था बट एनी विच वेज कुछ तो रिफ्लेक्शन हुई है आज हम 2020 के अंदर बैठे हैं जो नए क्राइटेरिया है उसके अंदर हम बात करेंगे व्हाट्स हैपनिंग एट आई एम बैंगल बॉयज एंड गर्ल्स लेट स्टार्ट प्लीज अंडरस्टैंड दो क्राइटेरिया होते हैं एक होते बिफोर द कॉल और एक होते आई एम बैंगलोर का आफ्टर द कॉल एज वेल पहले हम बिफोर द कॉल अंडरस्टैंड करते हैं कैट की वेटेज बहुत ज्यादा है बिफोर द बिफोर द कॉल फोर्टी परसेंट वेटेज आपकी कैट स्कोर देख के आएगी मतलब जो बच्चा नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइनटी नाइन पॉइंट एट जो भी स्कोर मार रहा है मैंने देखा है कि आई एम आई एम बैंगलोर में काफी हाई स्कोर एज कम्पेयर जेंडर डायवर्सिटी बाई जेंडर डाइवर्सिटी इज अराउंड टू परसेंट यह कॉलेज बड़ा ही शैतान होता जा रहा है पहली बात तो इन्होंने इंजीनियर भरे हुए हैं इतने इंजीनियर भरे हुए लास्ट ईयर एट्टी फाइव परसेंट इंजीनियर भरे हुए एट्टी फाइव टू एटी सेवन परसेंट इंजीनियर अराउंड तेरह परसेंट सत्रह परसेंट और नॉन तेरह परसेंट पंद्रह परसेंट और नॉन इंजीनियर्स ये अभी और उसमें से फिफ्टी फाइव परसेंट तो भैया बिट्स पिलानी एन आई टी ब्लाबला आर आई आई टी आई आई टी वाले बच्चे अब ये जेंडर डाइवर्सिटी को नंबर दे रहे हैं फिर एक तो इंजीनियर और ऊपर से इंजीनियर के लिए बुरी खबर मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ थोड़ी सी थोड़ी देर के अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया नंबर टू ये हम पहले प्री कॉल कर रहे हैं जब तुम गोल्डन शीट में अंदर बैठोगे भाई कट ऑफ देखते हैं पीडब्लू hmm? डी से स्टार्ट करते हैं पी डब्ल्यू की फिफ्टी एस टी की फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव इज फॉर एस सी ई डब्ल्यू एस सेवनटी वी आर सी की बात करें तो एन सी ओ बी सी सत्तर जनरल की बात करें तो भैया अस्सी अस्सी परसेंटाइल तुम्हारा मिनिमम होना चाहिए फर्स्ट लेवल कट ऑफ लाने के लिए डी आई आर बहुत कम हो चुका है सेवेंटी फाइव सेक्शन क्राइटेरिया नंबर थ्री इज सेवेंटी फाइव तो भाइयों 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 बिग शाउट आउट ऑल दोज इंजीनियर जिनका वर्बल एबिलिटी वीक है और तुम्हें लग रहा है कि अस्सी परसेंट टाइल नहीं आने वाला मैं इसके बारे में बताऊंगा आई कैन ऑल्सो हेल्प यू ऑन द सेम तो भाई पढ़ना शुरू कर दो ए बी सी द होली ट्रिनिटी में से बी की कॉल छट जाएगी तुम्हारी अगर तुमने ये नहीं किया आई नो लास्ट ईयर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे कृतिका थी अनुषा थी एंड मैनी मोर देकोर दैट ग्रेट इन क्वान सेक्शन एंड दे स्कोर रियली गुड इन वर्बल एबिलिटी और ओवरऑल स्कोर भी बूस्ट हो गया तो भाई यहाँ पे बाकी इंजीनियर्स की वाट लगने वाली है ध्यान से मेरी बात सुन लेना और पढ़ाई शुरू कर देना आई रिपीट 85 फाइव परसेंट इंजीनियर तो अगर तुम 85 फाइव में आना चाहते हो पहली बात तो यहां पे ये लोग छट जाएंगे तुम लोग इसकी तैयारी करते रहना ठीक है जिनको मेरी हेल्प चाहिए वर्बल एबिलिटी के अंदर आई क्विकली शो यू माई एबिलिटी कोर्स एज वेल आई टीच ऑन एवरी वेंसडे एंड फ्राइडे आई डू नथिंग बींग ऑनेस्ट आई जस्ट सॉल्व कैट के ओल्ड पेपर्स लोग गॉड लेवल स्टेटस दे रहे हैं पता नहीं क्यों दे रहे हैं बट आई जस्ट सॉल्व कैट के ओल्ड पेपर्स एंड आई एम टीच गोटीच पैराजेंस by, 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 by showing you how the para -jumbles have been taught, uh, how the para -jumbles have been solved in CAT 2014, पैरा समरी थाउजेंड पैरा नाइनटीन तो क्या करेंगे अपन पैरा दो 2014 के सॉल्व कर लेंगे फिर अपन देखेंगे कुछ रूल्स बनाएंगे वो सेम वाले रूल्स अपन अप्लाई करेंगे पैरा दो 2013 के अंदर वो सेम वाले रूल अपन अप्लाई करेंगे दो और अपने को पता चलेगा कि भाई रूल्स आर सेम सो ऑल द इंजीनियर्स यू एस कैन ज्वाइन दिस वर्कशॉप मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा आई थिंक द प्राइस इज गांड बी अराउंड फोर थाउजेंड तुम चेक करना वेबसाइट के ऊपर ठीक है कमिंग बैक ये तुम्हारा क्राइटेरिया नंबर वन वी आर सी के भाव बढ़ गए नंबर टू एक बार तुम्हारा कॉल आ गया उसके बाद क्या होना है एक बार तुम्हारा कॉल आ गया तो भाई पर्सनल इंटरव्यू 30 परसेंट वेटेज है राइटिंग एबिलिटी टेस्ट 10 परसेंट वेटेज है कैट स्कोर की वेटेज इज ओनली 25 परसेंट भाई 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 वंस यूर सिटिंग ऑन दैट गोल्डन सीट तो तेरा पच्चीस टाका वेटेज है कोई तुम्हें नंबर वंबर देखने नहीं वाला तू तो एक बार गोल्डन शीट पे बैठा उसके बाद तू क्या मुंह खोलता है और क्या बातें करता है और तेरे टेंथ ट्वेल्थ के नंबर भी सिर्फ पंद्रह परसेंट मैटर करने वाले ग्रेजुएशन मार्क्स तेरे मैटर करने वाले वेटेड एवरेज वर्क एक्सपीरियंस मैटर करने वाला है जो हमने कैलकुलेशन की थी वो वाली मैटर करने वाले तो इन शॉर्ट बॉयज एंड गर्ल्स जो लोग बैंगलोर का बैंगलोर को एम करना चाहते हो माई टू सेंट्स फोकस मोर ऑन वर्बल एबिलिटी डोंट लीव इट डोंट लीव इट बिकॉज सम ऑफ द इंजीनियर्स आर रियली बैड इन वर्बल एबिलिटी उनकी वाट लगने वाली है अगर उन्होंने बच्चा नहीं बचाया तो और कीप एन आन आई ऑन द प्रोफाइल मैं चाहता हूं भगवान किसी का भी वार्ड न लगाए तुम लोग पढ़ते रहो मेरी जॉब यही रहेगी कि मैं आपको क्राइटेरिया बताते रहो मेहनत करो यार ये होली टेरिटी में एक कॉलेज बहुत ही अमेजिंग है ये कॉलेज हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए थैंक यू सो मच द लाइक द वीडियोज डू हिट अ लाइक बटन और इसको शेयर करिए थोड़ा लोगों को भी बताइए कि भाई कट ऑफ चेंज हो गया थैंक यू गाइज बाय टेक केयर